खरगोन जिले के कसरावद में समाजसेवी डॉक्टर मेहरुद्दीन ने नर्स, डॉक्टर और स्वीपर का सम्मान किया है। वैसे तो डॉक्टर पृथ्वी पर भगवान का रूप माना जाता है और इस कोविड-19 के तहत जिस तरह डॉक्टर और नर्सों को अपनी जान की परवाह किए बगैर कार्य किया है, उनका सम्मान और बढ़ जाता है। यदि इन्हीं डॉक्टरों पर हमले होते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो हम अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं। लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पृथ्वी के इन भगवानों को सम्मान देते हैं, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ऐसा ही कार्य किया है कसरावद तहसील के ग्राम बाल समुद में रहने वाले डॉक्टर मेहरुद्दीन ने, जो कि एक किसान के बेटे हैं। वह अपनी बेटी को हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए लेकर गए थे। वहां उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल का समस्त स्टाफ, झाड़ू पोछा लगाने वालों से लेकर डॉक्टर तक, सभी का व्यवहार मरीजों का हॉस्पिटलों में आने वालों के साथ सम्मानजनक और अच्छा बर्ताव रहा। उन्हें भला बुरा भी कहते हैं, उसके बावजूद भी उनका व्यवहार सम्मानजनक रहता है। किसी को भला बुरा नहीं कहते, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इस बात से प्रेरित होकर समाजसेवी डॉक्टर मेहरुद्दीन ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट से कहा कि मैं आपके स्टाफ के लिए कुछ सम्मान करना चाहता हूं, एक गिफ्ट देना चाहता हूं, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने मना किया। उसके बावजूद डॉक्टर मेहरुद्दीन ने समस्त स्टाफ को गिफ्ट दिया है। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। आज जो आपने हॉस्पिटल में डॉक्टरों और नर्सों और स्टाफ का जो सम्मान किया है, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, मैं 7 तारीख से कोरल हॉस्पिटल में यहाँ मेरी बेटी को लेकर आया और बड़े डरते सहमे तरीके से यहाँ पहुँचा कि आए दिन इंदौर में कोरोना का बम फूट रहा है, कोरोना के आज 400 पेशेंट हैं, कल 300 हैं। तो बड़े हम डरते डरते बाप बेटे वहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचे। वहाँ पे उनके स्टाफ से मिले कि साहब मुझे ऐसा ऐसा मामला है, तो वांगी जैन ने फोन लगाया वहाँ पर। वो पिछले 9 महीने से मेरी बेटी का इलाज कर रही थी। तब हम लोग पहुँचे वहाँ पे, उन्होंने एडमिट किया मेरी बेटी को, कोरोना टेस्ट किया और धीरे धीरे उसका इलाज चलता रहा और 8 तारीख को मेरी बेटी को डिलीवरी हो गई। उसके बाद में जब उन लोगों का व्यवहार और उनका तरीका पोछा लगाने वाले से लेकर, तो डॉक्टर, असिस्टेंट डॉक्टर, मेन डॉक्टर, जितने लोग, जितना भी ऑल स्टाफ था, वो बड़े जज्बे के साथ में, बड़े मतलब ईमानदारी के साथ में, हर व्यक्ति अपना अपना काम बड़ी ईमानदारी से निभा रहा था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार ये लोग, मैं 10 दिन से यहाँ देख रहा हूँ इन लोगों को, तो उसमें इन लोगों का काम और इनके जज्बात को देखते हुए मेरे मन में ये आया कि यार इन लोगों की मदद करना, मदद तो कह नहीं सकता मैं, कि इनके जज्बे को देखते हुए इनका कुछ ऐसा करना चाहिए कि इनका मनोबल बढ़े और ये कोरोना के टाइम पे, ऐसे टाइम पे ये लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो ये आज मतलब एक मिसाल है ये इंदौर में। तो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी, डॉक्टर गुजारिश करी कि साहब मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, एक छोटा सा कुछ एक गिफ्ट स्वरूप आप लोगों के पूरा ऑल स्टाफ 120 का इनका स्टाफ है, पोछे लगाने से वाले से लेके तो डॉक्टर, मेन डॉक्टर तक का। तो उन्होंने पहले मना किया, फिर मैं नहीं माना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपने हिसाब से छोटा मोटा जो भी आपको कार्यक्रम करना है आप कर सकते हो। तो ये मैंने बच्चों को जो, और जो इन्होंने बच्चों की जो सेवा कर रहे थे और बच्चों के साथ में इन लोगों का जो इलाज का तरीका, वो बड़ा अच्छा लगा और मैंने इनको गिफ्ट के स्वरूप कुछ देना चाहा और ये सारा इनका मैंने ये आज गिफ्ट के रूप में इन लोगों को दिया है। तो अब वो आपने लॉकडाउन के समय भी बहुत लोगों की मदद की है और बहुत आपका चर्चा रहा, इसमें क्या कहेंगे? लॉकडाउन के अंदर तो हम लोगों ने क्या किया है कि वो अब बताना नहीं चाहिए, मैं मुनासिब नहीं समझता, बट अब आप बोल रहे हो तो हम लोगों ने करीबन हिंदू मुसलमान के कुछ 42 गांव हमने लिए थे, चिन्हित किए थे और उसमें हमने सारे लोगों की लिस्ट बुला के, और सारे लोग कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसका हमने पूरा उसकी जो उसने बोला, जिसको जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत थी, अनाज हुआ आपका, तेल हुआ, शक्कर हुई आपकी, पैसा हुआ, जिसको जो लगा वो हमने हमारी तरफ से पूरी पहुँचाने की कोशिश करी। अब वो ठीक है जहाँ तक पहुँचा, और वो ये बात अब मैं नहीं कह सकता कि मैंने क्या किया, बट अब वो जो ऊपर वाले का एक जरिया है, जैसा कि डॉक्टरों को एक हुनर कह लो या एक डॉक्टरों के अंदर ऊपर वाले ने जो तासीर दी है, वो उस तासीर के साथ में वो अपना काम करता है, तो वो एक जरिया बनता है।
बाकी करने वाली जात मेरा यकीन है उस खुदा के अंदर कि वो खुदा जो भी करता है वो बचाने वाला, मारने वाला, लेने वाला, देने वाला, वो सब कुछ करने वाला है। हम लोग तो एक कठपुतली के रूप में हैं, वो जो जैसा करवा लेता है वैसा अपन लोग कर देते हैं। इसी हिसाब से आज ये ओरल हॉस्पिटल वालों ने जो मेरे बच्चे का कोई अच्छा इलाज करा, मैंने पैसा दिया वो नहीं, लेकिन जो मैंने इनका जज्बा देखा दूसरे लोगों के साथ में, जो इनका व्यवहार देखा वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। इसलिए आज हमने एक छोटा सा एक कार्यक्रम रखा इनका, वो अब आप लोग किस तरीके से लेते हो, मैंने तो उनके जज्बे को देखते हुए कि इनके जज्बात को बढ़ावा देने के हिसाब से कि इनको एक सम्मान बढ़े ताकि इनके अंदर और जज्बा बढ़े और ईमानदारी और मेहनत और लगन के साथ में ये लोगों की सेवा करें और ताकि गरीब लोगों को, अच्छे लोगों को, सब लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। आपका नाम? मेरा नाम मेहरुद्दीन खान, ग्राम बालसमत का, छोटा सा किसान परिवार का हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।